महारानी विक्टोरिया का नाम तो आप सबने ही सुना होगा, जो कि यूनाइटेड किंगडम की महारानी थी। और उस वक्त एक कार है वो यूज़ की जाती थी जो राजा महाराजाओं के शान हुआ करती थी, और वही जो कार है आज के टाइम में फिर से क्रेज के अंदर बनी हुई है। अब आपको कहीं विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वही कारें आज आपको सिरसा में भी मिल सकती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक शानदार चीज़, वही कार इलेक्ट्रिकल कार है जो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। तो आप मेरे साथ तस्वीरें देख सकते हैं इस कार की, कितनी खूबसूरत कार है ये। आप देख सकते हैं कि वही शक्ल के अंदर इसको बनाया गया है जो महारानी विक्टोरिया के टाइम में यूज की जाती थी, राजा महाराजाओं के टाइम में यूज की जाती थी। हमारे पास जो तस्वीरें हैं वो जो मैं आपको दिखा रही हूँ उसके अंदर आपको दो मॉडल दिखाई दे रहे हैं, एक छोटा और एक बड़ा मॉडल है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से इसको मॉडिफाई किया गया है। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल है और ये बिजली पर चलने वाली है, और आप इसको थोड़े से स्पेस में कैरी कर सकते हैं, ये ज्यादा जगह भी नहीं लेती है। तो बहुत ही खूबसूरत है, जो राजा महाराजा इनको यूज किया करते थे, इसमें बैठकर वो बाहर की जो दुनिया है वो देखा करते थे, उनकी शान का प्रतीक हुआ करती थी ये गाड़ियां। और आज फिर से ये क्रेज में आई हुई हैं, हर कोई इसे खरीदना चाहता है क्योंकि वास्तव में ही ये देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही चलाने में भी बड़ी ही आसानी से इसे आप चला सकते हैं। और स्कूटी जैसे आम बाजार में लोकल में अपने यूज कर सकते हैं इसको, इसका कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है। और डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिकल प्रदूषण हो रहा है, तो थोड़ा इस करके माइंड लगा के भी ऐसा डिजाइन किया कि ओल्ड लुक भी आ जाए और लोगों को डिजाइन भी पसंद आए और पुराने टाइम में चले जाएं थोड़ा, और खर्चा भी ना हो ज़्यादा, वैसा सोच के सारा। ये मेरे मैंने काफ़ी 15 साल से मॉडिफाई का काम किया है, मेरे उस्ताद जी ने मेरे को काम सिखाया है, उस करके मैं ये काम कर रहा हूँ मॉडिफाई का, तो मेरे को ये आइडिया उस हिसाब से आ गया। नहीं, ये इसको डिजाइन पेंटेड भी है, ट्रेडमार्क भी है, सारा कुछ है इसमें। नंबर की इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोकल है, इसकी स्पीड लिमिट है 35 की स्पीड लिमिट होती है इसमें, तो इसको हमने अप्रूव्ड करवा रखा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लोकल यूज भी कर सकते हैं इसको, चलाने में ऊंची नीची जगह में, चाहे इसको आप एक टाइम फुटपाथ पे भी चढ़ा लेते हो एक साइड में तो भी कोई दिक्कत नहीं। रफ, हाँ जी, रफ टफ। वैसे तो मेरे को 10 साल हो गए इसमें, इस लाइन में, मॉडिफाई की लाइन में। मैंने उस्ताद जी से अपने काम सीखा ये, उसके बाद मैं खुद अपना जैसे ये कर रहा हूँ अभी। तो आपने देखा कि इन्होंने बताया कि जो ये इलेक्ट्रिकल कार है वो प्रदूषण से फ्री है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता क्योंकि ये बिजली से चलती है। और इन्होंने बताया कि इन्होंने ये प्रदूषण से बचाने के लिए ही उस आइडिया से प्रेरित होकर इन्होंने ये गाड़ी बनाना शुरू किया और इसे एक रॉयल लुक दिया, क्योंकि वो यही चाहते थे कि आज के टाइम में हर जो बंदा है वो रॉयल जो है महसूस करना चाहता है अपने आप के अंदर, क्योंकि हर आदमी के अंदर एक इच्छा होती है कि वो भी राजा महाराजाओं जैसी लाइफ जिए, और इस गाड़ी के थ्रू वो इस फील को ले सकता है। तो इसी के साथ हमारे YouTube चैनल पर लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप ये वीडियो Facebook या Twitter पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।